नमस्कार दोस्तों, इस सेशन में हम जियोग्राफी और इन्वायरमेंट्स का वीकली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीकली करंट अफेयर डिस्कशन का वीकली शेड्यूल। ये हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और साइंस टेक्नोलॉजी से डेली न्यूज नहीं रहती हैं, इसलिए इनके वीडियोज कम आ रहे हैं। जब भी होगा इनको अपडेट कर दिया जाएगा। ये हमारा जीएस की लाइव क्लासेस का डेली का शेड्यूल। शाम को 3 बजे से 5 बजे तक स्टेट पीसीएस की लाइव क्लासेस चलती हैं। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक यूपीएससी की लाइव क्लासेस चलती हैं। आइए देख लेते हैं हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारे पास पहला टॉपिक होगा एमएसपी। ये इकोनॉमी वाला, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एमएसपी नहीं है, ये जियोग्राफी से रिलेटेड है, इसको हम देखेंगे। जैविक खनन क्या है इसके बारे में देखेंगे, ये अभी टर्म न्यूज में था। और चैंडलर बॉबेल, ये अभी जून के महीने में न्यूज में था, इसीलिए इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये चलते हैं हम आज के अपने पहले टॉपिक पर। हमारा आज का पहला टॉपिक है एमएसपी, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, खनिज सुरक्षा साझेदारी, इसे शॉर्ट में एमएसपी भी कहते हैं। यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि यह लगभग 11 सदस्य देशों से मिला हुआ एक संगठन है जिसका नेतृत्व अमेरिका करता है, और इस संगठन में भारत को शामिल नहीं किया गया है। इस पे भारत ने चिंता व्यक्त की है, इसीलिए यह न्यूज में था। आइए देखते हैं कि एमएसपी है क्या। एमएसपी एक स्थिर और विविध खनिज आपूर्ति के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है। खनिज की आपूर्ति में स्थिरता लाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी है एमएसपी। इसका नाम आपने देखा, मिनरल्स सिक्योरिटी पार्टनरशिप, यानी कि खनिज की सुरक्षा को कैसे हम सुनिश्चित करें उसके लिए एक पार्टनरशिप की गई है विश्व के देशों के, लगभग 11 देशों के द्वारा, उसे हम एमएसपी कह रहे हैं। अब इस साझेदारी से क्या लाभ होगा? इससे दुर्लभ खनिजों का उत्पादन और उनका प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण, यह इसको प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्लभ खनिजों के उत्पादन, प्रसंस्करण और उनके पुनर्चक्रण को प्रोत्साहन मिलेगा। और दुर्लभ खनिजों के साथ साथ कोबाल्ट, निकिल और लिथियम की भी आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अब इसमें दुर्लभ, ये कोबाल्ट, निकिल और लिथियम, ये दुर्लभ खनिज में शामिल नहीं है। दुर्लभ खनिज को पहले भी किसी वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी यहाँ पे बता देते हैं शॉर्ट में। दुर्लभ खनिज, ये लेंथेनाइट समूह के लगभग 17 तत्व हैं उसमें, जो उन्हें दुर्लभ खनिज कहा जाता है। और दुर्लभ खनिज इसलिए नहीं कहा जाता कि वह प्रकृति में कम उपलब्ध है, वह उपलब्ध तो पर्याप्त मात्रा में, अबंडेंट क्वांटिटी में है, लेकिन उनका उत्खनन बहुत महंगा पड़ रहा है, जिस कारण से वह दुर्लभ खनिज कहलाए जा रहे हैं। आइए हम देखते हैं इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं, एमएसपी के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ये इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसके सदस्य देश हैं यूएसए, आपको पहले बताया कि ये यूएसए के नेतृत्व में यह संगठन कार्य कर रहा है। यूएसए, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका से 2 देश हो गए यूएसए, कनाडा, और यूरोप से कितने देश हो गए, यूरोपीय यूनियन काउंसिल हो गया, यूरोपीय यूनियन का काउंसिल नहीं सॉरी ये कमीशन है, यूरोपीय यूनियन आयोग हो गया, और यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और नॉर्वे। यूरोप से ये 6 देश हो गए, यूरोपीय यूनियन ये देश नहीं है, ये संगठन है यूरोपीय यूनियन कमीशन, और यूके हो गया, जर्मनी, फ्रांस, फिनलैंड और नॉर्वे, ये यूरोपियन कंट्री हो गए। अब एशिया में आएंगे तो जापान और साउथ कोरिया इसके सदस्य देश हैं। ये ध्यान रखिएगा, चीन इसका सदस्य देश नहीं है, चीन एमएसपी का सदस्य देश नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया, ये 11 देश हैं जो कि एमएसपी के सदस्य देश हैं, और इसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है। अब ये दुर्लभ खनिज, मतलब इनके उत्पादन और प्रसंस्करण पे जोर इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि ये उपलब्ध तो बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन ये कुछ ही देश हैं जो इनका उत्पादन कर रहे हैं, मतलब इनकी संकेंद्रण इनका कुछ देशों में हो गया है। इस कारण से यह, इनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा महंगी, इनको उत्खनन करने की, इनका संकेंद्रण अधिकतर चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, कांगो, चिली और इंडोनेशिया में है। अभी भी यही देश हैं जो दुर्लभ खनिजों का उत्पादन अधिकतम कर रहे हैं। इन जैसे लेंथेनाइट के 17 तत्व, 17 में से 16 तत्व में से अधिकतर चीन के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं या उत्खनित किए जा रहे हैं आज की डेट में, इसीलिए दुर्लभ खनिजों में चीन को एक तरफा प्लस पॉइंट मिला हुआ है।
अब इसमें देखते हैं इसका भारत के लिए क्या महत्व, भारत इसमें शामिल नहीं किया गया भारत को, तो भारत ने क्यों चिंता व्यक्त की, इसके लिए महत्व क्या है। इसमें शामिल होने से दुर्लभ खनिजों की आपूर्ति हमारी सुनिश्चित होगी, जिससे चीन पर निर्भरता हमारी कम होगी। अभी आपको बताया 17 तत्वों में से दुर्लभ खनिज के 17 तत्वों में से 16 तत्व मतलब मेनली चीन के द्वारा उत्खनित किए जा रहे हैं, तो भारत इनडायरेक्ट रूप से चीन पर निर्भर है दुर्लभ खनिजों के लिए। और दुर्लभ खनिजों से के मतलब क्यों निर्भर है, दुर्लभ खनिज का उपयोग क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक्स जितना भी आइटम है उसमें ज़्यादातर दुर्लभ खनिजों का ही उपयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, ई व्हीकल में, इन सारी चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए हम चीन पर निर्भर हैं प्रेजेंट में। अगर हमको MSP में शामिल कर लिया जाता तो हम इन देशों की सहायता से, जो 11 अन्य देश हैं चीन के अलावा, इनकी सहायता से हमारी आपूर्ति हो सकती थी। इलेक्ट्रॉनिक विकास से सैन्य हित सुरक्षित होंगे हमारे, कैसे सुरक्षित होंगे, आपने कई बार न्यूज़ सुना होगा कि हुआवे कंपनी पे ये आरोप लगता है कि वह चीन के लिए जासूसी करते हैं, मतलब किसी भी देश में वो मोबाइल बेचते हैं और उसी के थ्रू वह डेटा अपने देश, अपने पेरेंट देश में भेज देते हैं, तो इससे हमारे सैन्य हित असुरक्षित हो रहे हैं, तो इसको भी हम सुनिश्चित कर सकते हैं MSP में शामिल होके। और परिवहन क्षेत्र में हमारी इफिशियंसी बढ़ जाएगी जब हमको ये जो MSP के द्वारा जो भी हमको तत्व मिलने वाले हैं, दुर्लभ खनिज जो मिलने वाले हैं, उनसे हमारा ई व्हीकल का क्षेत्र बूम करेगा। और इससे परिवहन क्षेत्र में हमने जो एक वादा किया है कि हम पूर्ण रूप से कार्बन इमिशन को जीरो कर देंगे, जीरो कार्बन इमिशन करेंगे, तो वह इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा ही संभव है, तो इसमें भी हमको सहायता मिलेगी। अब भारत में जो दुर्लभ खनिज है उनको सुनिश्चित करने वाली एक संस्था की स्थापना की गई है, उसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, काबिल, इसे काबिल नाम से ज़्यादा फेमस है, इसको याद रखिएगा कि काबिल का मतलब इसका काम क्या है। इसका मेन काम है कि भारत में दुर्लभ और सामरिक खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना, यह काबिल के द्वारा किया जाता है। आइए हम अपने दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का दूसरा टॉपिक है जैविक खनन, बायो माइनिंग, ये है क्या। बायो माइनिंग इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि UPSC ऐसे उसमें MCQ बना सकता है कि बायो माइनिंग का संबंध है समुद्र में समुद्र जीवों का डिस्कवरी करने से रिलेटेड है, समुद्री जीवों की डिस्कवरी से रिलेटेड है, या कि समुद्र में खनिज उत्खनन से रिलेटेड है, ऐसे ही कुछ और भी टॉपिक ये बना सकता है, बायो माइनिंग से रिलेटेड MCQ बना सकता है। आइए देखते हैं ये जैविक खनन है क्या। जैविक खनन का मतलब है कि सूक्ष्म जीवों या प्राकृतिक तत्वों की सहायता से, सूक्ष्म जीव जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, ये सूक्ष्म जीव में, इनकी सहायता से, और प्राकृतिक तत्व जैसे वायु और प्रकाश की उपस्थिति में, अपशिष्ट पदार्थों से धातुओं का निष्कर्षण ही जैविक खनन है। इसे जैविक खनन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे एक तो हम अपशिष्ट पदार्थों का उसमें निराकरण कर रहे हैं और उससे धातुओं का भी निष्कर्षण साथ में ही कर रहे हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि दिल्ली में इतना बड़ा ढेर लगा है कचड़े का, बहुत बड़ा ढेर लगा है, वहाँ अक्सर आग लग जाती है, गैस निकलती रहती है जिसके कारण से आग लग जाती है, तो उन सारी समस्याओं के समाधान के लिए एक टेक्नोलॉजी है जैविक खनन। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, काफ़ी समय से यह है, लेकिन अभी ये न्यूज में है एक रिपोर्ट के कारण। यह है क्या, यह सूक्ष्म जीवों या प्राकृतिक तत्वों के द्वारा जैव अपशिष्ट पदार्थों से धातुओं के निष्कर्षण की एक तकनीक है, जैविक जीवों सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जो कि जीव ही हैं, बैक्टीरिया फंगस जीव ही हैं, इसीलिए इसे हम जैविक खनन नाम देते हैं। इसमें होता कैसे है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है, सूक्ष्म जीव धात्विक अयस्कों का ऑक्सीकरण करके उन्हें तरल में बदल देते हैं। सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया हो गया या फंगस भी कुछ यूज होते हैं इस प्रक्रिया में, तो वह ऑक्सीकरण करते हैं, सबसे पहले अयस्कों का जो भी ओर होता है उसका ऑक्सीकरण करेंगे और फिर वह ऑक्सीकरण करके वह तरल में बदल जाता है ऑक्सीकरण होने के बाद, और तरल से धातु का निष्कर्षण आसानी से
कर लिया जाता है और जो शेष बचता है मटेरियल वह जो उसमें से जो भी जैव निम्नीकृत होता है तो वह समय के साथ नष्ट हो जाएगा और जो जैव निम्नीकरणीय नहीं होगा उसमें से यह ऐसे मान लीजिए कि इतना ये इतना कचरा बचा है इसमें से इसका 80% पोर्शन इसमें से ये जैव निम्नकरणीय है जैव निम्नकरणीय पोर्शन है और ये अनिम्नकरणीय पोर्शन तो कचरा अल्टीमेटली कम स्पेस घेर रहा है। तो अगर हम इसका पूरा प्रोसेस कर देते हैं जैविक खनन का तो कचरा को हमारी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी कि इतना सारा कचरा कहाँ जाए और हमारी धातुओं की समस्याएं भी मतलब जो भी जैसे सोना चांदी निकिल ये भी जो भी धातुएं हैं इनसे संबंधित समस्याएं भी इनके खनन से संबंधित समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। आज की डेट में विश्व भर का लगभग 5% सोना और 20% तांबा पूरे विश्व का यह किसके द्वारा निकाला जा रहा है यह जैविक खनन के द्वारा निकाला जा रहा है। आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज कर रहे हैं तो जनरली इनमें यही मेटल यूज होते हैं सोना तांबा चांदी यूरेनियम निकिल जस्ता लिथियम कई सारे मेटल यूज होते हैं। इसमें जो रीयूजेबल मेटल होते हैं उनको जैविक खनन के द्वारा इस जैविक खनन के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। जैविक खनन से लाभ क्या होंगे इससे पर्यावरण को खतरा कम होगा। पर्यावरण को खतरा कैसे कम होगा जब एक तो पहली बार जब हम उत्खनन कर रहे हैं जैसे मान लीजिए कि तांबे के लिए हम उत्खनन कर रहे हैं तो उस उत्खनन में भी तो हमारा डीजल लगेगा और भी रिसोर्सेस लगेंगे तो उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। और हम क्या करेंगे इस जैविक खनन की प्रक्रिया से ना तो हमारा कोई डीजल लग रहा है इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें हम सूक्ष्म जीव यूज कर रहे हैं जो कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति में ही उपलब्ध हैं तो इससे पर्यावरण को कोई खतरा नहीं इस प्रक्रिया के द्वारा और उल्टा यह पर्यावरण में दबाव को कम करता है। इससे जो भी कचरा बना रहता है जो भी कचरे का ढेर लगा रहता है आप देखते होंगे शहरों में इससे गैसेस भी निकलती रहती हैं मीथेन वगैरह जो कि पर्यावरण में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। खनिजों की दुर्लभ खनिजों की आयात निर्भरता कम होगी इससे बिल्कुल न आयात निर्भरता कम होगी। अभी आपको आगे पढ़ाया कि एक संगठन तैयार हुआ है दुर्लभ खनिजों से रिलेटेड तो उसकी निर्भरता कम होगी क्योंकि हर देश यूज तो कर रहा है सारा सामान इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज कर रहा है अन्य भी तरीके हैं जो भी सारी चीज़ें यूज कर रहा है और उनका एक कचरा बन रहा है हर देश में ये डंप यार्ड एक तैयार हो रहा है। अगर वह जैविक उत्खनन को 100% यूज कर रहे हैं तो वह उसमें से उन्हीं मेटल को दोबारा निष्कर्षित करके अपनी आयात निर्भरता को कम कर सकते हैं। और जो भी आप जानते हैं मोबाइल हो गया कंप्यूटर हो गया और जितना कार हो गया इन सारे में चीज़ों में दुर्लभ खनिजों का बहुत आयात में उपयोग किया जाता है तो उन्हें हम दोबारा निष्कर्षित करके दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। आग लगने की कचड़े में आप देखते होंगे कई जगह आग लग जाती है इसकी घटनाओं को कम किया जा सकता है। ई वेस्ट तो खत्म ही हो जाएगा इससे और ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि दिल्ली में गाजीपुर में एक रिपोर्ट की गई गाजीपुर में जो एक कचड़े का जो अपशिष्ट स्थल है वहां में जो टोटल कचड़ा है उसका कुल 6.86% ही बायो माइनिंग उसका किया जा रहा है जैविक खनन सिर्फ 6.86% ही किया जा रहा है और इसमें बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाता है 5 से 6 साल लग जाता है मतलब एक बड़े क्षेत्र को जैसे दिल्ली में जो गाजीपुर का क्षेत्र है अगर इसको फुल तरीके से पूरा इसका 100% बायो माइनिंग करना है तो इसको 5 से 6 साल या 6 से 8 साल तक भी लग सकता है। आइए चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है चैंडलर वॉबल। ये क्या है चैंडलर वॉबल? वॉबल का मतलब होता है अपनी मतलब इसका मतलब होता है हिलना या कि डगमगाना अपनी जगह से। वॉबल का मतलब आप ऐसे ही समझ सकते जैसे लट्टू अपनी एक ही स्थान पे नहीं खड़ा रहता वो ऐसे पोजीशन अपनी अपनी चेंज करता रहता है तो उसका वह वॉबल। और चैंडलर यह एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिस्ट थे चैंडलर। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी के जो घूर्णन है वह स्थिर नहीं है वह समय के साथ बदलता रहता है। आइए देखते हैं उन्होंने क्या सिद्धांत दिया था। ये है अर्थ और आप ये जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री ये झुका हुआ है
अब ये किससे झुका हुआ है, ये है उसका रियल एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये है इमेजिनरी एक्सिस। मतलब अगर अर्थ रोटेट करना बंद कर दे तो ये जो ब्लू कलर में है ये उसका रियल एक्सिस होगा, लेकिन अभी रोटेट इस एक्सिस में कर रहा है। तो चैंडलर ने ये बताया कि इस सिर्फ अर्थ का रोटेशन नहीं हो रहा है ऐसे, उसकी एक्सिस का भी धीरे धीरे रोटेशन हो रहा है। तो एक समय आएगा जब ये एक्सिस, ये जो इसकी रोटेशनल एक्सिस है, ये लगभग इसको 7,000 साल का समय लगेगा तब ये ऐसी रोटेट कर जाएगी, और 15,000 साल में, 15,000 साल बाद ये अपना एक रोटेशन पूरा करके फिर से ऐसे हो जाएगी। ये चैंडलर बॉबेल ने बताया। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार फिर से इसको क्लियर कर देता हूँ। अर्थ का अर्थ चैंडलर बॉबेल ने, कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि उन्होंने ये बताया कि 15,000 साल के अंतराल में अर्थ का जो रोटेशनल एक्सिस है, ये रोटेशनल एक्सिस है, ये भी रोटेट करता है। किसके रिस्पेक्ट में? रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ये है रियल एक्सिस, इसके रिस्पेक्ट में वह एक बार पूरा रोटेशन ऐसे, ये जो है ये पूरा ऐसे रोटेट करके फिर से अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। इससे क्या होता है कि जैसे अभी अभी जो हमारा पोल है यह ध्रुव तारे को इंगित कर रहा, ध्रुव तारे की ओर मतलब इशारा कर रहा, मतलब इसका जो एक्सिस का है यह ध्रुव तारे की ओर है अभी का जो एक्सिस है, लेकिन 15,000 साल के लगभग ये ऐसे चेंज करते करते कभी ऐसे होगा, ऐसे एक्सिस आएगा, ऐसे एक्सिस आएगा, धीरे धीरे ये रोटेट करके फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगा। ये इफेक्ट बताया था चैंडलर ने, इसीलिए इसको हम चैंडलर बॉबल कहते हैं। बॉबल मतलब आपको बता चुका हूँ कि डगमगाना, एक्सिस का अपनी धुरी से डगमगाना ही बॉबल है। तो इस इफेक्ट को बताया था चैंडलर ने, इसीलिए इसे हम चैंडलर बॉबल कहते हैं। अब ये न्यूज में क्यों है? न्यूज में इसलिए है क्योंकि 29 जून को साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि पृथ्वी 29 जून को इस साल माने मतलब 2022 के 29 जून को घूर्णन में लगने वाले निर्धारित समय से 1.59 मिली सेकंड कम था। अब आप कहेंगे 1.59 मिली सेकंड ही तो है, सेकंड तो नहीं है, मिली सेकंड तो बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है क्योंकि जब से ऑब्जर्व किया गया लगभग 1960 से मान लेते हैं कि इसको ऑब्जर्व किया गया है, मतलब इसकी घड़ी का कि कैसे चल रहा है, तब से अभी तक का सबसे मतलब कम समय क्या था? 1.47 मिली सेकंड अभी तक दर्ज किया गया था, लेकिन अभी 29 जून 2022 को 1.59 मिली सेकंड कम हुआ है अर्थ का घूर्णन में लगने वाला समय। वैज्ञानिकों ने इस घटना के कारणों का अभी कोई स्पष्ट निष्कर्ष नहीं दिया है, लेकिन इसे चैंडलर वावल को इसके लिए चैंडलर वावल को उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। जैसे अभी आपको बताया कि 15,000 साल में एक्सिस रोटेट होना, मतलब एक्सिस रोटेट होके पूरा अपने पोजीशन पे वापस आ जाती है, तो उसे चैंडलर वावल इफेक्ट कहते हैं, और उस इसके लिए चैंडलर वावल को ही उत्तरदायी ठहराया गया है। चैंडलर बबल यह क्या, यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन में होने वाला परिवर्तन है। ये अर्थ है, इसकी धुरी अगर ये है और ये इसके घूर्णन में होने वाला परिवर्तन है, ऐसे वही है चैंडलर बबल इफेक्ट। अब पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है इस बार, क्योंकि चैंडलर बबल भी न्यूज में है और पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करने वाले कारक इसमें जलवायु शामिल है, इसीलिए यह पूछ सकता है। जलवायु देखेंगे कैसे शामिल है। भूकंपीय गतिविधि से पृथ्वी का घूर्णन प्रभावित होता है, महासागरों की अवस्थिति से। आप देखते हैं कि ये अर्थ में मतलब इसका 71% तो जल ही है, मास अधिकतर जल का ही है, तो वह इसकी घूर्णन को भी प्रभावित करता है। अगर आप ये समझे कि अगर जल शिफ्ट कर जाए, एक ही पोल में अगर जल शिफ्ट कर जाए तो स्वाभाविक सी बात है इसका घूर्णन प्रभावित होगा। तो महासागरों की अवस्थिति भी घूर्णन को प्रभावित करती है, ज्वार भाटा भी घूर्णन को प्रभावित करता है, आंतरिक व बाहरी परतों में गति, आंतरिक व बाहरी परतों में गति। आप प्लेट विवर्तनिक जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि लावा है, पृथ्वी के कोर है, फिर लावा की क्रस्ट, लावा है उसके ऊपर क्रस्ट है, तो इस यहाँ पे बीच में ये पूरा मैं
मेंटल है जिसके ऊपर ये ऊपरी परत हमारी तैर रही है, तो इसके कारण भी घूर्णन प्रभावित होता है। दरअसल घूर्णन भी के कारण ये घूर्णन होने के लिए ये कारण भी जिम्मेदार है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी में अंतर, आप ये जानते होंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी निरंतर बदलती रहती है, उसमें अंतर ये भी घूर्णन को प्रभावित करता है। और जलवायु, जलवायु कैसे घूर्णन को प्रभावित करेगा, जबकि आप तो जानते होंगे कि घूर्णन के कारण तो दिन और रात होते हैं, लेकिन जलवायु कैसे घूर्णन को प्रभावित करेगा। जलवायु ऐसे घूर्णन को प्रभावित करता है कि अर्थ में बर्फ जमी हुई है, इसके पोल में बर्फ जमी हुई है, नॉर्थ और साउथ पोल, मैक्सिमम साउथ पोल में बर्फ जमी हुई है। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम जलवायु परिवर्तित हो रही है मानव जनित कारणों से, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है कि ये जो यहाँ की बर्फ है यह पिघल के समुद्रों में आ रही है व्यापक रूप से। आप यहाँ पे आइसलैंड है, इसका भी बर्फ, आइसलैंड की भी बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, जितना साइंटिस्ट लोग पहले उम्मीद किए थे। तो इनकी पूरी पिघल के बर्फ इसके इक्वेटर के आसपास आ रही है, जिस कारण से इसकी घूर्णन में अंतर आ रहा है, घूर्णन को प्रभावित कर रहा है। तो ये अगर ये एमसीक्यू बनाए कि जलवायु घूर्णन को प्रभावित करता है या नहीं, तो आप इसमें टिक कर सकते हैं, जलवायु घूर्णन को प्रभावित करता है। अब जब घूर्णन में परिवर्तन से क्या होगा कि हमको समय में चेंज करता होगा, साइंटिस्ट लोग इस चीज पे डिस्कस करना शुरू किए। तो क्या अगर ये इतना मिली सेकंड, जैसे 1 पॉइंट आपको था 1.59 मिली सेकंड, ये कम है, तो क्या हम इसमें ऐड कर दें या माइनस कर दें, 1 मिली सेकंड माइनस कर दें। तो इसके कई ये जो जितने भी कंप्यूटर वाली अभी आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जैसे मेटा हो गया, अमेजन हो गया, तो ये सारी कंपनियां इसके विरोध में थी, क्योंकि इसमें परिवर्तन करने से जीपीएस सैटेलाइट ये अपना काम करना बंद कर देंगे, ये एक्सिस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा, स्मार्टफोन सभी डिस्टर्ब हो जाएंगे, कंप्यूटर सिस्टम और जितने भी संचार उपकरण हैं इनमें परिवर्तन आएगा। इसमें ये जो मिली सेकंड जो भी घट रहा है इसको अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो उसमें परिवर्तन आएगा, घूर्णन से ये प्रभाव पड़ते हैं, आप ये याद रख सकते हैं। घूर्णन से प्रभाव जीपीएस सैटेलाइट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य संचार उपकरण में प्रभाव पड़ता है। अब ये घूर्णन में ये जीपीएस सैटेलाइट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, संचार उपकरण में कैसे इफेक्ट डालता है घूर्णन में परिवर्तन, ये हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए वीडियो यहीं तक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।